जाना बीस बीस घंटे की विद्यु प्रगति है, सही सही है, सही है। भरपूर इंद्रोन वाया भयानक गरज पूरी तरह से गायब हो गई है। आजकल भूमि परिप्रे बनाया बताया भयानक से भयानक का चिकित्सालय उसके अंदर दस चिकित्सकों के पास होने चाहिए, परंतु ऊपर बड़े नहीं हुए हैं, ये सही है। हॉस्पिटल सौ बड़ी हॉस्पिटल अपन ने मैं हमारी सरकार ने इसको घोषित किया था, परंतु ये सारे सही इन लोगों ने सीमित कर दिया, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया है, ये सही है। इन्होंने वादा किया था कि स्टोन पार्क घोषित कर देंगे, इसका आश्वासन दिया था, पूरा हुआ, शुरुआत हुई। हरियाणा का जो ऐतिहासिक किला था, इसके अंदर हमारे शासन के अंदर हमने राशि मंजूर की थी, इन्होंने रोक दी, काम चालू नहीं हुआ, चाहिए सही है। क्या हुआ, क्या किया, ये सोच बता दो। आपने मांग की है कि भाई लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए और प्राइवेट कॉलेज में खाली आज से पढ़ नहीं सकती, पानी की जोरदार समस्या है और चले चले कर चौड़ाए की भी अच्छा समस्या है, चौड़ाए की चौड़ाए की समस्या, विधवा पेंशन या तो मिलती नहीं है और मिलती है तो रिश्वत देना पड़ता है, क्या है इतनी छोटी सी समस्या है, उतनी रिश्वत होने से समस्या क्या है। अच्छा, और मेरे को यही बताइए कि मेरे आने से दो चार घंटे पहले रोड के ऊपर बैठक क्यों हो गया, रोड को दोबारा दे दिया, रोजगार भी बदलाव हो जाएगा। तो देश हटके बेटा, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि ये चार पांच साढ़े चार साल की सरकार ने किया जियो, और अब चार साल के साढ़े चार साल के बाद आप लोगों के बीच में आकर बहुत सारी बातें आपको कहेंगे, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो वायदे ने किए उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और ये चार साल में पूरा नहीं हुआ, और चार साल की बात नहीं है भाइयों, बचपन साल का दान हमने इनको दिया है। आप पहले पूछिए सात साल निकाल दीजिए, मेरे पांच साल निकाल दीजिए, और ये देखिए कि बकाया रास्ता कौन है। तो इस बचपन साल पचास साल के अंदर अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो इनको दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये करेंगे ही नहीं। पचास साल में हमने करके करवा दिया था, मध्य प्रदेश बराबर इलाका है, दस साल के अंदर उसकी सरकार ने उसको 5000 ले जाके रख दिया, देंगे 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 5000 ले जाकर छोड़ दिया, वो आप देख लीजिए। और एक बार वो 55 साल कांग्रेस का लगातार राज, और उस राज के अंदर क्या करके छोड़ा है वो आप एक निगाह घुमा के देखिए, और यहां से नहीं है तो जरा थोड़ा सा आगे चले जाइए, मानोपुर धौलपुर सबोटा टोड़ा भीम करौली देख आ जाओ, तो आपको हल पड़ जाएगा कि आप लोग सब ये पूरा का पूरा इलाका और आपके राज्य का पूरा राजस्थान ऐसे ही स्थिति में पड़ा हुआ है। अब आप कह रहे हो काम नहीं होता, मैं कह रही हूं 5 साल के अंदर काम किया, जो प्रदेश हमको मिला था उस प्रदेश को तो बिल्कुल गड्ढे में हमने पाया। बीमारू प्रदेश आपको याद होगा सब लोग, बीमारू प्रदेश कहलाया जाता है, और बीमारू प्रदेश को गड्ढे में से निकाल के खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया, और जगह जगह पे बिजली देने का काम किया, पानी लेने का काम किया, जगह जगह पे इंडस्ट्री लगाने का काम किया, और उस सब इंडस्ट्री कुछ के राजस्थान को छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 साल ऐसी सरकार के पास हमें काम नहीं करना और इनके साथ हम रह नहीं सकते, इसलिए हम तो छोड़ के जा रहे हैं। हमने ये सोचा था कि अपने टाइम के अंदर जब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया सरकारी और गैर सरकारी लोगों को, तो हमने ये सोचा कि अगर इंडस्ट्री लग जाएगी तो और बच्चों को हमारे प्रदेश के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मैंने यहां पूछा कि पिछले 4 साल के अंदर कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि यहां 50,000 से कम लोगों का रोजगार मिला, ये पूरे साढ़े चार साल के अंदर है उनकी देन। खजाना जो हमको मिला था वो बिल्कुल ही खाली था, उसके बाद हमने रोजगार दिलवाया, बिजली का काम किया, रोड का काम किया, बहुत सारे काम हुआ,
इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन देखने की जरूरत होगी। ये मैंने पहले भी
करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट हमने लिखवाई और रिकॉर्ड टाइम में करवाया। और लोग जिन्होंने आरक्षण लिया वो सब जानते हैं कि ये सब रिपोर्ट को बनाने के लिए कितने साल लगे। पर जो डेढ़ नौ मार्च के अंदर हम लोगों ने रिपोर्ट मंगवाई, वो रिपोर्ट आपकी माफिक थी। उस रिपोर्ट माफिक रिपोर्ट की वजह से हम विधानसभा में उनको ले गए, सर्वसम्मति से बिल बना के पास किया और पास करा के उसको राज्यपाल महोदय के पास ले गए। राज्यपाल महोदय लेके उसको बैठा, परंतु अंत में उसकी पर्ची में उसको लगानी पड़ी क्योंकि वकीलों ने उसको कहा कि उसको लेके आप नहीं बैठ सकते हो। अब बात बची थी कितनी कि नवी सूची में अगर उसको डाल देते तो झंझट भी हो जाएगी, परंतु नवी सूची में डालने की बात ही नहीं। यहां मंत्री है, पायलट साहब है, आपके वो नमोदाय मीणा है, दोनों सेंटर के मंत्री है, सेंटर की सरकार है, सेंटर के नीचे कांग्रेस की सरकार है, बस कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात थी और धीरे से यही बात करने की जरूरत थी कि हमारे डाल के जो पिछड़े हुए लोग हैं और गुर्जर समाज के लोग हैं उन लोगों को, हमारे राजस्थान के जो भूटे लगे गुर्जर समाज के लोगों को सब कुछ बोला जाए, उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, ये लेके ऊपर तक बस इतना ही करना था और वो उसको अभी तक करने। और आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बस वो ही नहीं कहा, हमने ये भी कहा कि 14% हमारे उन लोगों को भी जाए जो लोग बेचारे सवर्ण हैं और जिनके बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, जो सड़क पर हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनका भी हम कुछ इंतजाम करेंगे और उनका भी इंतजाम करने के लिए बात करें। अगर ये सरकार उसका मन ठीक होगा तो ये सब लोगों को आराम से बिठा के उनका इंतजाम करने का काम करते थे तो आज राजस्थान के अंदर ये झगड़े बताते नहीं होते। परंतु ये जीती है, इसकी राजनीति, इसका जीवन आपके झगड़े के ऊपर ही निर्भर है। आप लोग झगड़े नहीं करोगे, सब लोग खुशी खाशी चल बसोगे पड़ोगे तो आप ये मान के चलिए कि उनकी कौन खुश करेगा और कौन उनको काम करेगा। तो भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है तो एक साल में उनके जेल में चला जाता है। उन्होंने यही चीज 63 साल में चला चला के इस देश के ऊपर राज किया है। अब भाइयों बहनों, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि मेहरबानी करके इनकी बातों में मत आना। ये आपके बीच में आएंगे फिर वो ही दुर्भाग्य की बात करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे, तो भागो ना जाओ। अरे धमकाने की बात तो 4 साल से मेरे पीछे कैसे पड़े, आप लोग सबको मालूम है कि कभी तो कमीशन बिठा दिया कि डर जाएंगे, कि कभी तो पाए भड़का दिए, तो कभी तो किसी टीवी आई थे, तो कभी सी आई गए थे, कभी मेरे बेटे के पीछे, कभी मेरी जमीन को खदेड़ा, सब कुछ कर दिया। परंतु मैंने आपको वादा किया था कि आपकी इज्जत बना के रखूंगी, उस इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। ये चुनरी आपने बार बार चलाई है, चुनरी की बात मैंने सबकी रखी है, अपनी रखूंगी और आगे भी रखूंगी। ये रिपोर्ट आपको बनाना चाहती हूँ, सबको खुश करके करूंगी बहु होने के नाते, इससे भी तो बहु हूँ बहु हूँ। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मेरा काम नहीं चुनरी, आप लोग दुखाओ, चिल्लाओ, गुस्सा हो, कभी कभी तो खुशी होगी, कभी ना कभी तो प्यार भी करोगे, बहुओं को तो करना ही पड़ता है, क्या करें, ये तो हमारे प्यार में लिखा हुआ है। नाराज होंगे अरे सब, बहू ने किया होगा, क्या होगा, बहु कुछ होके अपना काम सुधारना है और संभालना है। और मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये काम मेरा करेगी, मैं करूंगी, बस आपको साथ लेके जाऊंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं, ये भी मैं कहना चाहती हूँ। लड़ो लड़ो कुछ भी कर लो, आना तो पड़ेगा, कहाँ जाओगे। अब मैं वो ही बात करती हूँ जो कांग्रेस कहती है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, हमारा बंधुआ मजदूर है, मैंने कहा कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, ना कोई एससी, ना कोई एसटी, ना कोई मुसलमान, सब अपने इज्जत से बने हुए हैं, अपने स्वाभिमान से बने हुए हैं। और अगर कोई सोचे कि हम किसी की जेल के वोट हो तो हम उनको भी दिखा दें। इसीलिए जब मनमोहन सिंह जी कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा पेड़ नहीं होगा, तो हम भी उनको कहते हैं कि आपका पैसा भी पेड़ पर नहीं उग रहा, तो हमारे वोट भी पेड़ पर नहीं उग रहे हैं, आपको भी नहीं दीजिए, हमको कभी कभी संभालेगा तो हम उनको संभालेंगे। एक परिवार के रूप में हम चलेंगे, एक दूसरे को हम प्यार करेंगे, एक दूसरे का हम देखेंगे, चार दल के साथ एक सुख दुख लेंगे, उनके जो मुसीबत है उनको हटाने की कोशिश करेंगे। नरेगा का आप देख लीजिए 13,000 करोड़ खा रहे, कितना 13,000 करोड़ वर्तमान में आया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूरे देश के अंदर नंबर 1 अगर हम थे तो नरेगा के अंदर पूरे देश जाता था कि राजस्थान का नंबर 1।
कभी 40 रुपया, तो कभी 37 रुपया, तो कभी 22 रुपया, और एक मजाक के केस में 1 रुपया तो दिया क्यों बैठा उसको? ऐसे जल्दी में नमक डालने का मतलब क्या होगा? इस तरीके से तो आप हमारे साथ मजाक हो रहा है। मैं उंगली किसी चीज में भी डालू, आप भी डालो, किसी चीज में भी उंगली डालोगे, वहां देखोगे उसके नीचे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। और फिर क्या हो सकता है? ये कांग्रेस आ रहा है, लोग कहते थे कि ये हाथ से हमको मदद मिलेगी, परंतु जब से ये हाथ आया है महिलाओं का अत्याचार, लोगों का गला दबाना, लोगों के जेब काटना, लोगों को दुखी करना, इसके सिवाय कांग्रेस के हाथ में किसी को कुछ मदद नहीं की। इसलिए आज मैं ये कहने आई हूं कि समय आता आ गया, अब हम लोगों को यह तय कर देना कि इसके आगे हम नहीं रुक सकते। हरियाणा जैसा क्षेत्र इसको आगे बढ़ाना है, भरतपुर संभाग इसको आगे बढ़ाना है, परंतु इसके अंदर आप लोगों को बहुत मुसीबत होगी, और हिम्मत वाले लोग ही इसमें निकल सकते हैं। तो हिम्मत है, सोचना होगा कि हिम्मत है कि नहीं है। Yeah.